ओके क्या रीजन है एक और यूट्यूब चैनल खोलने का? एक्चुअली कहानियां ढूंढ रही हूँ मैं, जिनमें शायद मैं अपना एक जिंदगी की छांव देख पाऊँ, और शायद मुझे वो नहीं मिल रही हैं। मैं नई तरीके की कहानियाँ देखना चाहती हूँ, वो कहानियाँ देखना चाहती हूँ जिसमें हमारे जैसे लोग रिप्रेजेंट होते हो। हमारे जैसे लोग कौन? हमारे जैसे लोग जो शायद, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैंने पूरा इंडिया घूमा है, और 10वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी है। पहली इंग्लिश किताब पढ़ी थी, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक 11वीं कक्षा में। उसके बाद दिल्ली में कॉलेज किया, उसके बाद हैदराबाद में काम किया, बॉम्बे में आए, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ सब कुछ किया, पर काफ़ी देसी हैं दिल से। और कोई भी ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं मिला है मुझे आज तक, जहाँ पे एक लड़की, मतलब अगर आप नहीं बड़े हुए हो विद द ड्रीम्स ऑफ यू नो मैरिज एंड बॉयज एंड फैमिली, एंड आपको मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कपड़ों में खास इंटरेस्ट नहीं है, आपको ब्रांडेड चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको गाड़ियों के नाम नहीं पता, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो इसलिए ही है कि आपको शायद उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट है मेरे जैसा इंसान, मतलब हर छोटे शहर में लाइब्रेरी पढ़ता था ए से जेड तक, मुझे किताबों में इंटरेस्ट है, मुझे प्यार हुआ है ऑथर से, पर्ल एक्स बग से प्यार था, अब ये भी नहीं पता था कि मेल है कि फीमेल है, खुशवंत सिंह को लेटर लिखा करती थी, ऐसे बहुत मतलब राइटर टाइप लोगों से खैरी बुलाओ लेवल पे प्यार हुआ है, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल सा प्यार है। ऐसी ज़िंदगी बहुत अलग है, और ऐसे कैरेक्टर्स नहीं मिले जिनके वर्ल्ड व्यू आर आउटसाइड ऑफ व्हाट इज शोन इन अ स्केच और व्हाट इज शोन आउटसाइड ऑफ अ सर्टन एज ग्रुप, बिकॉज आई थिंक हम लोग लिख भी यंग लोगों के रहे हैं, पर अगर आप 40 साल के हो तो आप शायद वो 20 साल की उम्र की स्टोरी से शायद रिलेट ना कर पाओ, और शायद मैं तो कभी भी शायद नहीं कर पाया, वो जो कहते हैं ना ओल्ड सोल, या जो भी जो जो भी लोग नई तरीके की कहानियाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नई तरीके के किरदार लाने की कोशिश कर रहे हैं, नई रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कोई ऐसे कॉज लेवल पे बात नहीं कर रही, मैं बहुत ही लाइक हार्टलैंड टाइप स्टोरीज की बात कर रही हूँ। तन्नू वर्ड्स मन्नू डजन काउंट, बिकॉज वहाँ पे भी आर्किटाइपल अपने स्पोर्ट्स डाल दिया, जाट है, हरियाणा है, तो वो भी वो फिर वो बियॉन्ड द हीरोज जर्नी नहीं हुआ, पर जहाँ पर भी लगेगा कि बियॉन्ड द हीरोज जर्नी है, जहाँ पर भी लगेगा नया फॉर्मेट है, जहाँ पर भी लगता है कि अच्छा अरे इमर्सिव ही हो सकता है, इंटरेक्टिव ही हो सकता है, आप असली और डिजिटल दुनिया को मिला सकते हो, डिजिटल से बहुत प्यार है मुझे, मेरा पहला प्यार है वो एक्चुअली, तो उस तरीके के लोग, उस तरीके की कहानियाँ, नई तरीके की कहानियाँ जिससे हम रिलेट कर पाएँ। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत लड़कियों से नहीं मिली हूँ जो ऐसा कुछ कर रही हैं, बहुत लड़कों से मिली हूँ जैसे जाकिर खान कर रहे हैं, तन्मय ने किया है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर लड़कियां कहाँ हैं? मतलब मैं जिन लड़कियों से मिलती हूँ तो वो ट्रेंड होती हैं, जैसे जैसे अगर आप कौसम मुनीर देख लें, जो ट्रेंड राइटर्स हैं, उनके ऑफकोर्स एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ हैं, उनके उनके आर्केटाइप्स डिफरेंट हैं, पर हमारे जैसे लोग जो पढ़े नहीं हैं और जो सिर्फ कहानियाँ ढूंढ रहे हैं और कहानियाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट ये होगा कि शुरू में अपनी बताई जाए और फिर शायद लोग मिल जाए जो आपके साथ ये कहानियाँ आपको बताने के सफर में आपके साथ जुड़ जाए, पर यही है अटेम्प्ट की नई तरीके की कहानियाँ, नई तरीके के स्टोरी टेलर्स जो ऑनेस्टी और एम्पथी के बेसिस पे कहानी बोले, बस वही वही चाहिए, और तो फिर रास्ता है, हम चल रहे हैं, देखते हैं।